वालेकुम जन, आप कैसे हो? आप सब, आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइस, हम दोनों एक नई वीडियो लेके आप सभी के लिए हाजिर हो चुके हैं। आज की वीडियो है, हम सभी ने देखा है भाई कि कारबला है ना, हजरत इमाम हुसैन के साथ क्या हुआ था, वहां पे जालिमों ने क्या करा था। तो आज वीडियो उसके बाद की होने वाली है, मतलब कि उसके बाद जो कातिल थे ये यजीद वगैरह, ये उनकी फौज थी, उनके साथ क्या हुआ भाई, ये चीज देखना जरूरी है। उनको खुदा नहीं होगा, उनको खुदा ने कि कैसा अंजाम दिया, कैसा उन पे अजाब लाया, क्या चीज हुई, तो वो देखते हैं भाई इस वीडियो में। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सो फिलहाल उसको प्ले करते हैं। और वीडियो बहुत कम देखते हो, रीजन नहीं पता है तो रीजन बता दो कि आपको क्या लगता है क्यों वीडियो कम देखते हो, तो फिर हम फिर वैसी वीडियो लेके आएंगे। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया, 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा। वही कूफा का मुख्तार सकफी, जिसके यहाँ हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु उतरे थे। मुख्तार सकफी आवाम में एक आवाज़ उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खूने हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम इमाम हुसैन की तरफ थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा कि हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सकफी के झंडे तले आ गए। फिर मुख्तार सकफी ने हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हों के नाम का एक फ़र्जी ख़त लिखा था और लोगों से ये कह दिया था कि मुझको इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने ख़त लिख दिया है कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को जब ये इत्तला मिलती है तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने वो ख़त नहीं लिखा है, अगर वो नवासा रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुख्तार सकफी को अब और ताकत मिल गई। मुख्तार सकफी ने कहा, ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। उसने तमाम लोगों को अपने झंडे तले जमा कर लिया और जमा करने के बाद मुख्तार सकफी ने कहा कि सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तार सकफी के पास सबसे पहले गिरफ्तार करके शिमर लाया जाता है। जब शिमर गिरफ्तार करके लाया गया तो मुख्तार सकफी कहता है, बता शिमर, तेरा क्या हाल किया जाए? और कहा, तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची थीं। इतना सुनते ही शिमर कांपने लगा और शिमर कहता है, ए मुख्तार सकफी, मुझे छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिस जमात में तुम थे। मुख्तार सकफी ने कहा, लेकिन मैंने हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और मैं इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में नहीं गया था। जालिम, तो हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन के खिलाफ मैदान करबला में तलवार चला रहा था और सुना गया है इमाम हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया है, इसलिए तेरी गर्दन ज़रूर काटी जाएगी। शिमर ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। मुख्तार सकफी ने जल्लादों से कहा, सबसे पहले इसकी दोनों आंखें फोड़ दो और जबान काट दो, इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारो। इस तरह से शिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाने हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। शिमर के बाद अब उमर बिन साद को गिरफ्तार किया गया। उमर बिन साद जब गिरफ्तार करके लाया जाता है तो उमर बिन साद से मुख्तार सकफी पूछता है, तुम कहाँ थे, तुमने इस तरह की हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं गोशा नशीन हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उमर बिन साद की ये बात सुनते ही मुख्तार सकफी ने ललकारा और कहा, जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे उस दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं सियासत में बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तूने नवासा रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही तो है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया था, अब सोच तेरा क्या अंजाम होगा। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगा। और फिर उमर बिन साद के लड़के को बुलाया गया और बुलाने के बाद मुख्तार सकफी ने कहा, उमर बिन साद के सामने इसके बेटे को कत्ल किया जाए।
उमर बिन साद ने कहा, मैं देखकर बर्दाश्त कैसे करूंगा? तो मुख्तार सख्फी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर के तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पा रहे थे तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? मुख्तार सख्फी ने कहा, मारो इन जालिमों को, और उमर बिन साद के ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया गया और उसके बाद उसकी उंगलियां काटी गईं, आंखें निकाली गई, उसकी जबान काट कर उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया और उसको आग में जलाकर खाक कर दिया गया, और इस तरह से कातिलाने हुसैन में से दूसरे कातिल को सजा दी गई। अब तीसरा दुश्मन गिरफ्तार करके लाया जाता है, तीसरा दुश्मन खूली पकड़ा जाता है, जिसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के जिस्म अकदस से सर को जुदा किया था। ये वो मर्दूद है जो इमाम हुसैन के सरे मुबारक को रूमाल में लपेट कर नेज़े पर लटका कर चल रहा था। खूली को पकड़ने के बाद मुख्तार सख्फी के सामने पेश किया गया और मुख्तार सख्फी ने हुक्म दिया, इसे इस तरह की सज़ा दी जाए कि इसे दुनिया याद रखे। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके हाथ पांव को एक एक हिस्से में अलग कर दो। हाथ पांव अलग करने के बाद खूली की जबान काटी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई, इस तरह से खूली को सजा दी गई। अब हुरमिला इब्ने काहिल पकड़ा जाता है। हुरमिला इब्ने काहिल ये वही मर्दूद है जिसने हज़रत अली असगर के हलक में तीर मारा था। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके दोनों हाथों को बांध दो, इसके पैरों को भी बांध दो और इसके मुँह को ऊपर उठाओ और इसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि तीरों से इसकी गर्दन छल्ली हो जाए और तीरों के ज़रिए से इसकी गर्दन जुदा हो जाए। इस तरह से हुरमिला इब्ने काहिल को तड़पा तड़पा कर सजा दी गई। इसके बाद इब्ने ज़ियाद को पकड़कर लाया जाता है। जब इब्ने ज़ियाद को पकड़ने के लिए मुख्तार सख्फी की फ़ौज जाती है तो इब्ने ज़ियाद वहाँ से बचकर भाग जाता है, लेकिन इब्ने ज़ियाद ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सका और इसे मुख्तार सख्फी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया जाता है। मुख्तार सख्फी ने इब्ने ज़ियाद से कहा, उस दिन को याद करो जब तुमने अपने जवानों को और लोगों को इमाम हुसैन के सामने भेजा था। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुख्तार तुम मेरे साथ क्या करोगे? मुख्तार सख्फी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा और इतनी बेदर्दी के साथ करूँगा कि दुनिया याद रखेगी। इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया, उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग किया गया और मुख्तार सख्फी के सामने उसी कूफा के गवर्नर हाउस में इब्ने ज़ियाद का सर उसी जगह पर रखा गया जहां हज़रत इमाम आली मकाम का सर मुबारक रखा गया था। इतने में एक सांप जाहिर होता है और उसके नथने में घुस जाता है और मुंह से निकलता है, फिर मुंह से घुसा और नथने से निकला, फिर नाक में से घुस कर मुंह से निकलता है, और तीन मरतबा ये मामला हुआ, फिर वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह में घुसने और निकलने का मतलब है, ये दिखाया जा रहा है कि इसके ऊपर इतना सख्त अजाब होगा कि इसके ऊपर सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा। इस तरह से इब्ने ज़ियाद को भी सजा दी गई। अब्दुल्लाह बिन उसैद जोहनी, मालिक बिन नुसैर, हमल बिन मालिक, इन तीनों के मुख्तार सख्फी ने हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया था ताकि ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलकते मर जाएं। फिर उसके बाद हकीम बिन तुफैल ताई को पकड़कर लाया गया। ये वो हकीम बिन तुफैल ताई खबीस है जिसने हज़रत अब्बास आलमदार के कपड़े उतार लिए थे, फिर इसको ज़िंदा ही नंगा करके तीरों से छल्ली कर दिया गया। उसके बाद उमर बिन सुबह को लाया गया। उमर बिन सुबह ने शहदाए करबला में से कई लोगों को ज़ख्मी किया था, इसे भी नेज़ों से छेद छेद कर मार दिया गया। इसके बाद जैद इब्ने रकाद को पकड़कर लाया गया। जैद इब्ने रकाद वो खबीस था जिसने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था, इसको भी तीरों से छल्ली किया गया मगर जान बाकी थी तो इसको ज़िंदा ही जलवाया गया। तारीख में आता है कि 60,000 यजीदी मुख्तार सख्फी के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोढ़ी हो गए, कुछ की आँखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को ज़िंदा जलाया गया और कुछ लोगों के मुँह सुअर की तरह हो गए। कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते,
और कोई भी जिंदा ना बच सका। और इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को सजा मिलती है। सिर्फ 6 साल के अंदर ऐसा तख्ता पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। 6 साल के अंदर ये चीज हो चुकी है ना, मतलब कहीं को कई साल लग जाते, लेकिन 6 साल के अंदर ही इमाम हुसैन के जो कातिल थे उनका ये अंजाम हुआ और सबको मतलब कि इतनी दर्दनाक मौत दी गई कि दोबारा से वो जिंदगी में कभी ऐसी चीज करने का सोच ही नहीं सकते, किसी के अच्छे इंसान के साथ बुरा करने का सोच। सही बात है। और जिन्होंने वो मौत देखी होगी भाई, वो भी मतलब पूरे हैरान हो गए, एक एक करके जितने भी थे और सारों को मारा गया कि मतलब कि उसी तरीके से कि जिस तरीके से वो करते थे ना, हाथ और बात पाके की गर्दन को जिसने काटा है उसको भाई तीरों के साथ छली कर करके वही चीज़ सेम रिपीट हुई है। तो बाकी तो ये थी वीडियो और ये देखना था भाई हमें कि उसके बाद हुआ क्या, क्या कैसे कैसे किस तरीके से उनको मारा गया या कोई अजाब आया था या क्या हुआ था। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, इस्लाम के इस्लाम के चाहने वाले थे जो, तो उन्होंने ही दोबारा से सभी यूनिटी में इकट्ठे होकर उनको मारा। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।